आजकल बोलते हैं स्टूडेंट को कि आप प्रॉफिट प्रोडक्ट हो, बोला जाता है। तो ये जो सारे मसले हैं, ये चीज़ हमने सामने रखी और उनको समझ में आया है कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने करा दिया, BHU ने करा दिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने करा दिया, तो हमारा क्यों नहीं। हम तो मंडे फिर से हमें एक बार ही बुलाया गया, स्टूडेंट को किसी को नहीं पहुंचना, सिर्फ मैं और एक हमारे साथी अंकुर भाई, हम दोनों लोग जाएंगे और उसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है। आज पॉजिटिव रहा और उनको चीज़ें हमारी समझ में आई है कि हाँ आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। उन्होंने भी एग्री किया इस चीज़ पर कि अगर बाकी यूनिवर्सिटी करा रही है तो DU के को भी कराना चाहिए, ये सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनकी छात्रों को पहले तोड़ दिया गया था, वो आपको भी पता है, उनको डीमोटिवेट कर दिया गया था, लेकिन ये वो छात्र हैं जो शेर हैं और जो हमेशा लड़ते रहेंगे। शर्म की बड़ी बात है कि जिसको प्रेसिडेंट आप लोगों ने बनाया वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इवन प्रोटेस्ट तोड़ रहे हैं। तो इस टाइप की कुछ राजनीति ना करें, अगर बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आराम से शांति से बैठ जाएं। मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि आपके अंदर अभी भी ताकत है, आप बच्चों का वो भी करा दो और इस क्रेडिट को हम अभी भी उनको दे देंगे। जाओ, मैं बोल के चल रहा हूँ, वो एक नोटिस ले आएँ और सारा क्रेडिट उनको उठा के दे। सारा मिली भगत है सब लोगों की, वो चाहते ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी खुलवाई थी, उन्होंने पुतला फूके थे, आज एक रस्सी नहीं फूकी, वो कहते हैं जी हम सपोर्ट कर रहे हैं। आज का प्रोटेस्ट जो है किस लिए था और पूरा मसला क्या क्या हुआ है अभी तक आप ये बताएं। देखिए, जो हमारा प्रोटेस्ट था वो सबको पता है, बाई चांसलर साहब को भी पता है इसके बारे में कि बच्चों की OB की डिमांड है और ये जेन्युइन डिमांड है, कोई ऐसी डिमांड नहीं है। तो आज हम लोगों ने, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी से नहीं सुना गया तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, जिसमें काफ़ी बच्चे आए और हमने विद प्रूफ आज एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जिसमें हम डायरेक्टर सर से भी मिले, सचिव साहब से भी मिले और उसमें काफ़ी हमारा पॉजिटिव रहा है, क्योंकि उनके कुछ क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन ये था, भाई आप वो भी चाह रहे हैं तो आपके तो मार्क्स बड़े अच्छे आ जाएंगे ऑनलाइन। तो हमने उनको बहुत सारे प्रूफ दिखाए कि देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने करा दिया, BHU ने करा दिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने करा दिया, तो हमारा क्यों नहीं। हम प्रिंट उसका लेके गए थे, आपने देखा भी होगा। तो मन की जब उन बच्चों के अगर ऑनलाइन हो रहे, तो मैंने उनसे पूछा कि उनके मार्क्स कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे, तो बोला अच्छे मार्क्स आएंगे। और मन की हमारा ऑफलाइन हो रहा है तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे या कम आएंगे, ऑब्वियसली बात है कम आएंगे। जब अगर मार्क्स कम आएंगे तो वो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद कैसे कम्प्लीट कर पाएगा, उस बच्चों के पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे एडमिशन मिलेगा, जब वो बच्चा उनके इलाहाबाद वाले बच्चों के साथ इंटरव्यू देने जाएगा और वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका तो 90 प्लस मार्क्स था, 90 से 60 या 70 या 80 कैसे रह गया, ये ग्राफ डिक्रीज कैसे हुआ, तो उनको इंटरव्यू तुरंत निकाल देगा, बोलेगा यू आर कोविड प्रोडक्ट। आपने सुना होगा आजकल बोलते हैं स्टूडेंट को कि आप कोविड प्रोडक्ट हो, बोला जाता है। तो ये जो सारे मसले हैं, ये चीज़ हमने सामने रखी और उनको समझ में आया है कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो हमने रिसीविंग भी उसकी ले ली है। तो मंडे फिर से हमें एक बार ही बुलाया गया, स्टूडेंट को किसी को नहीं पहुंचना, सिर्फ मैं और एक हमारे साथी अंकुर भाई, हम दोनों लोग जाएंगे और उसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो बाकी ये है कि अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट है, आगे देखना है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, आज पॉजिटिव रहा और उनको चीज़ें हमारी समझ में आई है कि हाँ आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। उन्होंने भी एग्री किया इस चीज़ पर कि अगर बाकी यूनिवर्सिटी करा रही है तो DU के को भी कराना चाहिए, ये सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इतनी बात है। एक सवाल और कि लगभग 6 से 7 लाख बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो SOL हो या फिर रेगुलर हो, लेकिन यहाँ पे लगभग 100 से 150 में बच्चे ही जो है आ पाएँ, तो इसको लेके जो है उस छात्रों को क्या संदेश देना चाहोगे जो घर पे? मैं छात्रों को ये बोल रहा हूँ कि छात्रों को पहले तोड़ दिया गया था, वो आपको भी पता है, उनको डीमोटिवेट कर दिया गया था, लेकिन ये वो छात्र हैं जो शेर हैं और जो हमेशा लड़ते रहेंगे। और यहाँ पर संख्या की ज़रूरत ही नहीं थी हमको, हमें तो एक प्रोसेस के लिए ज़रूरत थी। हमारा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस था, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग थी, क्योंकि संख्या से भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है अगर आपका प्रोसेस नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़ ये है, सिर्फ हमने कुछ ही बच्चों को बुलवाया था, क्योंकि हमें परमिशन भी 100 बच्चों की थी सिर्फ यहाँ पर, तो हमने सिर्फ कॉल कर करके कुछ ही बच्चों को बुलवाया। अगर हम चाहते पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चों को यहाँ पे बुलवा सकते थे, लेकिन हमने सबको नहीं बुलवाया, 100 बच्चों की परमिशन थी, सिर्फ कॉल करके बच्चों को बुलवाया। ठीक है, तो बहुत बच्चे आए हैं और इतने बच्चे काफ़ी थे हमारे लिए, इसी से बहुत अच्छा मैसेज गया। एक आखिरी सवाल कि DUSU जो है इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं ये, उन्हें जो है क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? ये एक चीज़ बताऊँ, अगर अब मुझे नहीं बोलना चाहिए कैमरे के सामने, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना कड़वा बोलता हूँ, आपने देखा भी होगा ना, कड़वाहट मेरे अंदर है। अगर आप मेरे को डेली केला खिला रहे हो ना, बंदर देखे हैं आपने, जब आप उनको केला फेंकते हो वो आपको देखते हैं, कब आएगा कब आएगा। तो DUSU को भी ना, जो DUSU के अधिकारी हैं, उनके लिए भी इस टाइप से केले फेंके जा रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके होंगे आप बताइए मुझे, किसके हो सकते हैं, वो उसी के होंगे। और लेकिन ये शर्म की बड़ी बात है कि जिसको
प्रेसिडेंट आप लोगों ने बनाया वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इवन प्रोटेस्ट तोड़ रहे हैं। तो इस टाइप की कुछ राजनीति ना करें, अगर बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आराम से शांति से बैठ जाएं, ठीक है। लेकिन अब वो बैठ चुके हैं शांति से, तो मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि आपके अंदर अभी भी ताकत है, आप बच्चों का OB करा दो और इस क्रेडिट को हम अभी भी उनको दे देंगे। जाओ, मैं बोल के चल रहा हूँ, वो एक नोटिस ले आएँ और सारा क्रेडिट उनको उठा के दे देंगे हम। लेकिन कराएं तो सही, ठीक है। तो ये सारा मिली भगत है सब लोगों की, वो चाहते ही नहीं है कि, क्योंकि उन्होंने पहले, आपको पता नहीं है, जब यूनिवर्सिटी खुलवाई थी उन्होंने पुतला फूके थे, आज एक रस्सी नहीं फूकी। वो कहते हैं जी हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने उस दिन रात को क्वेश्चन भी पूछे थे उनसे, शायद आपने लाइव भी देखा होगा, कि भाई आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, आप बच्चों का खुलकर सपोर्ट करें अगर करना चाहते हैं तो। वो कहते हैं जी मैं गलत नहीं हूँ। तो मैंने कहा भी कुछ लोगों को जिन्होंने बोला, आप खुले मंच पर आइए, पवन भड़ाना क्वेश्चन करेगा, आप जवाब दो उनके, अगर आप गलत नहीं है बच्चों के सामने आप राजा बन जाओ। तो ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आपको सबको पता है कि कौन सपोर्ट कर रहा है कौन सपोर्ट नहीं कर रहा। 300 के बिल लेटर। और एक चीज़ और बता दूँ आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मुझे मेरी माता की सौगंध है अगर मैं DU से चुनाव लड़ लूँ। लोग कहते हैं ना बहुत सारे बच्चे आप में फैलाएंगे, पवन भड़ाना राजनीति करेगा चुनाव लड़ेगा, मुझे मेरी माता की सौगंध है, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। भला होना चाहिए, हर हालत में भला होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो, चाहे वो मेरे द्वारा हो, आपके द्वारा हो, चाहे किसी के द्वारा हो, कोई और आगे करा दे, सारा क्रेडिट उसको दे देंगे। क्रेडिट की कोई जरूरत नहीं, बस बच्चों का हो जाना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, भला होना चाहिए बच्चा।